नमस्कार, फिर से स्वागत है एक बार मनप्रीत सर के साथ में। अब प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं तो हमने काफी सारी चीजें सीजन में करी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे हमारा जो पूरा अभी सीजन रहा है, हमारी पूरी लीग रही है उसको? हाँ देखो, पूरा जितनी अच्छी टीम बनाई थी और जितने अच्छे कैंप किए थे ना, उन चीज़ों को देखे तो पूरी लीग बहुत अच्छी गई है। हाँ, उसमें से कुछ मैच है जो हमें थोड़ा सा मेरे को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। फर्स्ट मैच था यूपी योद्धा के साथ, या फिर पनेरी पलटन के साथ था, जयपुर के साथ मैच था। तो वो तीन चार मैचों ने बहुत परेशान किया मेरे को, खास करके कि हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी आ सकती थी। और पूरे उसमें देखे तो पूरी पूरी लीग में, जो 3 मंथ की लीग थी 22 मैच थे, टीम ने बहुत अच्छा किया है। और खासकर डिफेंस ने इतना अच्छा करके दिया है कि बाकी टीमों ने उतना अच्छा नहीं किया जितना हमने किया है। बड़े बड़े रेडरों को, चाहे वो प्रदीप है या फिर पवन शहरावत था, बड़े बड़े रेडरों को हमने पॉइंट नहीं दिए, और दिए तो बहुत कम पॉइंट दिए डिफेंस ने। और रीडिंग के अंदर नया शिवम पटारे निकल के आया, उसने बहुत अच्छी परफॉर्म करके दिया है। और इस सीजन में जितना अच्छा विनय ने पूरे सीजन में रेडिंग करके दी है हरियाणा स्टीलर को, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बीच बीच में सिद्धार्थ देसाई का कुछ मैच बहुत अच्छे हैं, और चंदा रणजीत ने 3-4 मैच खेले थे, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। सो कुल मिला के परफॉर्मेंस देखे तो 100 में से मैं 80-85 मार्क करता हूँ अपनी टीम को। तो हमने गुजरात के साथ में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही मैच हमने जीते हैं लीग के अंदर। अब बारी एलिमिनेटर की, तो अब इस बार आप कैसे फेस करने वाले हैं गुजरात को? देखो, गुजरात की पहली बात तो हम ये मान के चलें कि लीग के मैच अलग होते हैं और जो प्लेऑफ के मैच हैं या सेमीफाइनल मैच फाइनल, वो अलग लेवल पे है ना। उसका आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, खेल लेंगे बड़े मैच। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस मैच को देखें तो मेरे प्लेयर अब तक जितने भी हमारी टीम है हरियाणा स्टीलर की, एक सिद्धार्थ बाहुबली को छोड़ के बाकी सारे यंग हैं। ये बेचारे कभी, मेरे को लगता है, प्रो कबड्डी सीजन में प्लेऑफ के मैच या सेमीफाइनल नहीं खेले, तो ये चीज़ बहुत समझनी पड़ेगी हमें। भले ही हमने लीग के अंदर 2 मैच गुजरात को हराया हो, लेकिन वो मैच आपको अपनी टीम को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा कि लीग के मैच जो हमने इनको हराया, वो कॉन्फिडेंस हमारी टीम में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हमने दो मैच इनको ऑलरेडी हरा दिया, इस मैच में भी हरा देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी उस मैच की। वो ये मानो कि इस लीग का फर्स्ट मैच होगा वो प्लेऑफ का ना, और तो उस हिसाब से तैयारी करके चलेंगे। लेकिन पलड़ा फिर भी हरियाणा स्टीलर का भारी है, क्योंकि हमने 2 मैच हराए हैं, कहीं ना कहीं रेडर में और डिफेंस में वो कॉन्फिडेंस तो है। बाकी टीमों को थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि लास्ट होम लेग हमारी थी, जहाँ पे हमारे कंटिन्यू 4 मैच हुए हैं, बाकी टीमों के एक एक दो दो मैच थे, तो थोड़ी सी टीम थक भी जाती है। फिर उसके बाद 2 दिन का रेस्ट है, प्लेऑफ स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा भी है इस चीज़ का कि हम कंटिन्यू टच में रहेंगे गेम की। अगर आपको कुछ चेंज करना हो इस चीज़ के अंदर अभी तक में? हाँ देखो, डिफेंस तो बहुत अच्छा है, डिफेंस में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी रीडिंग के अंदर है, रीडिंग के अंदर जितनी मेरी उम्मीदें थी सिद्धार्थ देसाई से और बाकी बच्चों से, विनय बहुत अच्छा कराया हुआ ना शिवम पटारे ने। तो जैसे पूरा सीजन चला है, आपने जैसे सोचा था वैसा चला है सीजन पूरा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है जो आपने सोची नहीं थी और वो हो गई, कोई चीज़ सरप्राइज कर दिया किसी ने? हाँ, वो हुई है, 2-3 मैचों में हुई है, जो चीज़ें सोची नहीं थी वो सरप्राइज हुआ है। तो जैसे मान के चलो आप, एक मैच में रणजीत ने बहुत अच्छी परफॉर्म करके दी, तो वो नहीं सोचा था मैंने कि रणजीत इतना अच्छा कर दें एक मैच में। और एक मैच में विनय ने बहुत अच्छा करके दिया है। तो कुछ मैच ऐसे थे जिसमें डिफेंस ने इतना अच्छा करके दे दिया, राहुल ने 8 पॉइंट भी दिए एक मैच में। सो डिफेंस में, ऑफेंस में, दोनों में बहुत चीज़ें सोची नहीं थी जो हुई हैं मैचों में, और जो चीज़ें सोची थी वो नहीं हुई, उसका दुख भी है। तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? देखो, विशाल टाटे पहले बहुत अच्छा रेडर है ना, थोड़ा सा उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो जैसे उसको पूरी टीम ने विश्वास दिखाया, और मैं चाहता था विशाल टाटे खेले और वो जो उसके अंदर भरा पड़ा है पूरे सीजन से, वो निकल के आए, क्योंकि विशाल टाटे की बहुत छोटी एज है अभी। तो विशाल तो ये मानो कि प्रो कबड्डी का बहुत लंबा एक रेस का घोड़ा है जो चलता रहेगा, और उसने पहले मैच में ही दिखा दिया कि उसमें किसी भी रेडर से या किसी भी प्लेयर से कम स्किल नहीं है। जो एक आग दिखती है वो दिखी है उसमें,
आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स को करा है आगे, कहीं फिर काफ़ी सारे प्लेयर्स यूज़ करे हैं, उनको देखा है मैट के ऊपर, आप कैसे ये देखते हैं कि वो प्लेयर पूरा स्विच ऑन है, उस चीज़ के लिए पूरा ऑन है? देखो, जब आप ट्रेनिंग कराते हैं ना, वो दिखता है उनके अंदर कि आप किसी किसी प्लेयर को बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे नहीं जाना है या यहाँ जाना है, ये टच मारना है या ये टैकल करना है। कुछ होते हैं जो बिना कहे करते हैं, आपने एक बार बोल दिया तो वो बार बार करते हैं उस चीज़ को, तो उससे ये पता लग जाता है कि इसके अंदर अपनी गेम को लेके कितना सीरियस है ये, और कितनी जल्दी अपनी जो वीकनेस है उसको दूर करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, दूसरी टीम की जो रेडर है या दूसरी टीम का डिफेंस है उसकी वीकनेस पे कितनी जल्दी काम करता है। तो फिर उसी चीज़ को लेके फिर आप मैच में लेके आते हैं अपनी टीम प्लेयर को बोल के कि ये प्लानिंग है, ऐसे खेलना है, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि वो ट्रेनिंग सेशन में दिखती हैं। जैसे मेरे याद है कि हम हैदराबाद में ट्रेनिंग करा रहे थे, तो वहाँ पे दो सेशन में हमें हमारा वो घनश्याम, उसने बहुत अच्छा करके दिया दो ट्रेनिंग में। ना तो वो हमारे डिफेंस से किसी से पकड़ा ही नहीं गया, एक भी टैकल नहीं किया उसने दो सेशन में, तो 6 और 7 में अच्छी रेड करी, 4 और 5 में अच्छी रेड करी। सो नेक्स्ट मैच में उसको हम लेके आए मैच में, और उसने अच्छा भी किया। तो ऐसे ही दिखता है प्लेयर, जब वो सेशन करता है, ट्रेनिंग करता है, तो उसके अंदर उसकी स्किल निखर के आती है। तो एट द एंड हमारा टारगेट यही है कि ट्रॉफी हमें उठानी है, और बिल्कुल चाहे गुजरात हो या फिर कोई दूसरी टीम हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो सपना तो यही है, और हम वो उठा सकते हैं। हम जो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं मैच में, अगर वो ना करें और पूरा फोकस अपने प्लान पे रखें, एक स्ट्रेटजी पे रखें, दूसरी टीम की जो वीकनेस है उस पर रखें, तो फिर हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता। वो हमने देखा है, ये 14 नंबर की लीड तोड़ के भी जीत जाते हैं, तो फोकस रखना पड़ेगा।